डिस्कस कर रहे थे, हम अभी तक 9 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके थे। लास्ट हमारा क्वेश्चन था तैरती तैरने वाली अशुद्धियां यानी कि सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज, जो कि हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लेकर चलते हैं इसी यूनिट के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बिना देखी हुए चलिए वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं, और ये हमारे वीडियो का है 8th पार्ट। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। आज इस वीडियो में हम दो चीजों के बारे में बात करेंगे, ऐसे तो बहुत सारे टॉपिक्स पे बात करेंगे हम, लेकिन मेनली हमारा जो कंसर्न रहेगा वो दो टॉपिक्स पे रहेगा। एक तो रहेगा व्यायाम यानी कि एक्सरसाइज, एक्सरसाइज कह देते हैं हम, या फिर फिजिकल जो भी वर्कआउट होता है वो उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। फिजिकल हमें वर्कआउट करना चाहिए तो वो क्यों करना चाहिए, नियमित रूप से करना चाहिए, रेगुलर करना चाहिए, और साथ में व्यायाम करने के हमें क्या फायदे हैं, उसके उद्देश्य क्या है, श्वसन तंत्र पर प्रभाव, पाचन तंत्र पर प्रभाव और त्वचीय तंत्र पर उसका प्रभाव, इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए श्वसन तंत्र पर प्रभाव, पाचन क्रिया पर प्रभाव, त्वचा पर प्रभाव, स्नायु तंत्र, श्वसन क्रिया में आ गया स्नायु तंत्र, और अगला है तांत्रिक तंत्र पर प्रभाव, तांत्रिक तंत्र पर इसके प्रभाव, और लास्ट में आ जाएगी इसके लाभ यानी कि क्या इसके एडवांटेजेस हैं। बेसिक्स से हम बात जान के देखते हैं एक बार कि जो भी हम व्यायाम करते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज जो भी हम कर रहे हैं, जिनके भी अंदर हमारी बॉडी जो है एक्टिवली इन्वॉल्व है, उससे हमें क्या क्या फायदे होते हैं। फर्स्ट तो है हमारा डाइजेशन प्रॉपर होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रॉपर वर्क करेगा, फेस पे या स्किन पे ग्लो आएगी, स्किन की कोई डिजीजेस नहीं होगी। जब रेस्पिरेशन प्रॉपर होगा, डाइजेशन प्रॉपर होगा, फेस ऑटोमेटिकली क्लीन रहेगा, भी ऑयली स्किन होगी तो उस पे भी स्वेटिंग के दौरान जितनी भी इम्प्योरिटीज है बॉडी से वो बाहर आ जाएंगी। साथ में तंत्रिका तंत्र जो है वो भी अच्छे से, यानी कि हमारे जो अदर बॉडी ऑर्गन्स है, दे विल ऑल्सो परफॉर्म रेगुलर बेसिस पे, जो भी एक्टिविटीज होती है वो परफॉर्म करेंगे। तो हमारे लिए जो फिजिकल एक्सरसाइज है ये रेगुलर करना बहुत जरूरी है, इसमें रेगुलरिटी होनी चाहिए। देखिए मैं स्टार्ट करती हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। शरीर के अंगों को सुदृढ़, क्रियाशील एवं शक्तिशाली बनाने के लिए तथा मांसपेशियों को विकसित एवं नियंत्रित करने के लिए व्यक्ति को कुछ दैनिक क्रियाकलापों को करने चाहिए। अब व्यायाम की परिभाषा, जिन्होंने व्यायाम की परिभाषा दी है, यू हैव टू मार्क इट। वी एल शर्मा के अनुसार स्वास्थ्य के लिए आवश्यक दैनिक एवं नियमित शारीरिक क्रियाकलाप ही व्यायाम है। अब आपको मार्क करना है कि डेफिनेशन किसने दी है, अगर फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड या फिजिकल फिटनेस से रिलेटेड कोई डेफिनेशन आ रही है तो वो किसने दी है, वी एल शर्मा ने दी है। वो कहते हैं कि स्वास्थ्य के लिए आवश्यक दैनिक एवं नियमित शारीरिक क्रियाकलाप ही व्यायाम है। व्यायाम के उद्देश्य निम्नलिखित है, शारीरिक सहयोग्यता का विकास, नाड़ी पेशी कौशल का विकास, व्यक्तित्व एवं चरित्र का विकास। व्यायाम के विभिन्न अंगों पर प्रभाव, व्यायाम करने से हमें बहुत बेनिफिट्स होते हैं, हमारी बॉडी में बहुत सारी जो हम कहेंगे कि पॉजिटिव इम्पैक्ट्स नजर आते हैं, जो कि हमने भी डिस्कस किए हैं, उन्हीं को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे कि सेकेंड है श्वसन तंत्र पर प्रभाव, व्यायाम में शरीर को भोजन की अधिक आवश्यकता होने लगती है क्योंकि उसके परिणाम स्वरूप पेट ठीक रहता है, पाचन शक्ति में वृद्धि होती है तथा कुपच की शिकायत दूर हो जाती है। पाचन तंत्र पर प्रभाव, यह स्पष्ट है कि व्यायाम में शरीर को भोजन की अधिक आवश्यकता होने लगती है क्योंकि उसके परिणाम स्वरूप पेट ठीक रहता है, पाचन शक्ति में वृद्धि होती है तथा कुपच की शिकायत दूर हो जाती है। त्वचीय तंत्र पर प्रभाव, यानी कि हमारी स्किन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ते हैं योगा के, ठीक है, या फिर व्यायाम के,
व्यायाम के मध्य में त्वचा में रक्त के संचालन में वृद्धि हो जाती है, इससे शरीर में अधिक मात्रा में स्वदेन होने लगता है। परिणाम स्वरूप स्वदेन के माध्यम से शरीर के व्यर्थ के पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव, जो व्यक्ति मानसिक कार्य करते हैं उनका व्यायाम से मनोरंजन होता है तथा उनकी मानसिक कार्यक्षमता में वृद्धि हो जाती है। यह कुशलताओं का विकास करती है, अर्थात खेल कूद में कुशलता तथा गति में सुंदरता प्रदान करती है। व्यायाम से लाभ, प्रतिदिन व्यायाम करने से निम्नलिखित लाभ होते हैं। हमारी बॉडी को अगर हम रेगुलर बेसिस पे रेगुलरली अगर हम व्यायाम कर रहे हैं तो क्या क्या बेनिफिट्स हैं या क्या क्या प्रॉफिट्स होते हैं। शरीर का गठन नियमित, सुंदर, सुदृढ़ और शक्तिशाली बनता है। स्नायु दुर्बलता दूर होती है। अनिद्रा, अपच तथा कब्ज आदि शिकायतें, जो कि मतलब इंसोमनिया है, कॉन्स्टिपेशन है, इस तरह की चीजें, या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपरली वर्क करे उसके ये चीजें दूर हो जाती है। मानसिक असंतुलन दूर होता है, यानी कि किसी तरह का एंजाइटी है, स्ट्रेस है, कुछ डिसऑर्डर है तो उसमें भी हेल्प मिलती है। क्या करने से? एक्सरसाइज या व्यायाम करने से। पाचन क्रिया तीव्र होती है तथा भूख बढ़ती है। ठीक है, तो ये तो हमारा आज एक क्वेश्चन हो गया। अब इसी वीडियो के अंदर हम निद्रा को भी कवर कर लेते हैं। निद्रा यानी कि इसी से रिलेटेड, अभी जो व्यायाम कर रहे हैं हम उसी के साथ में हम निद्रा यानी कि हमारा जो नींद है, स्लीप जो है, स्लीप साइकिल जो है, नियमित रेगुलर व्यायाम करने से हमारी जो स्लीप साइकिल है जिसको हम कहते हैं हिंदी में निद्रा, वो भी सुचारू रूप से कार्य करती है, वो भी हमें समय पे आएगी। ठीक है, उसके कुछ फायदे नुकसान या निद्रा है क्या उसको हम जानेंगे। देखिए किसी जैसे हमारी एक बॉडी है ये किस प्रकार से कार्य कर रही है, हमें ये जानना सबसे पहले जरूरी है, तभी तो हम बच्चे की बॉडी को समझ पाएंगे अच्छे से। देखिए, स्वास्थ्य तथा निद्रा का घनिष्ठ संबंध है। बच्चों के लिए निद्रा आवश्यक है। सोते समय हृदय की धड़कन और श्वसन क्रिया धीमी हो जाती है, इससे मस्तिष्क में कम रक्त जाता है और चर्म में अधिक तथा शरीर के सारे अंग विश्राम पाते हैं। यदि बच्चे की निद्रा कम या हल्की है तो वह अच्छा मानसिक कार्य नहीं कर सकता और यह उद्वंग एवं चिड़चिड़े प्रकृति का हो जाता है। निद्रा न आना रोग का कारण है। अगर किसी को नींद नहीं आ रही है ना, इट मीन्स वो एक डिजीज है, बीमारी है, वो उसका इलाज भी संभव है। बालकों के लिए सुनिद्रा हेतु घर तथा विद्यालय में कतिपय उपयुक्त परिस्थितियों की व्यवस्था होनी चाहिए। ये परिस्थितियां, अब सुचारू रूप से नींद आए उसके लिए कुछ परिस्थितियां हैं, यानी कि कुछ परिस्थितियां यानी कि कुछ सिचुएशंस हैं। अब वो सिचुएशंस कौन कौन सी हैं वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट तो यही है, शुद्ध वायु, जिस रूम में आप सो रहे हो वो रूम जो है एयर टाइट नहीं होना चाहिए, उसमें हवा पास होनी चाहिए। दूसरा है शांत वातावरण, ऐसा नहीं हो कि आप सोए हुए हो और पास ही में टीवी चल रहा हो या सॉन्ग्स चल रहे हो, डीजे प्ले कर दिया हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिस्तर की क्वालिटी भी मैटर करती है कि बिस्तर आरामदायक है या नहीं। समय, पाबंदी समय की भी बहुत जरूरी है। वायु ताप, तापमान कमरे का, हल्का भोजन, और संवेगात्मक स्थिति। ठीक है, देखिए फर्स्ट देखिए, सोने के कमरे में शुद्ध वायु के आवागमन के लिए समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। सोते समय कमरे की खिड़की में दरवाजे खुले रहने चाहिए। मुंह ढककर कभी नहीं सोना चाहिए। भाई मुंह को अगर कवर कर लोगे तो जो रेस्पिरेशन सिस्टम है आपका, मतलब आप कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कैसे करोगे, ऑक्सीजन लोगे कैसे, तो वो उसके अंदर बाधा आ जाएगी ना, तो ऐसा नहीं करना आपको। शांत वातावरण, अच्छे स्वास्थ्य के लिए गहरी नींद आवश्यक है। यदि सोने के कमरे में अथवा उसके आसपास शोरगुल अधिक होता है तो नींद में बाधा उत्पन्न होती है, इसलिए सोने का कमरा ऐसा होना चाहिए जिसमें शोरगुल न हो तथा वहां का वातावरण शांत रहे। बिस्तर, अब बिस्तर कैसा होना चाहिए, हमारा आरामदायक होना चाहिए, कोमल, स्वच्छ, आरामदायक होना चाहिए। कठोर, गंदे व अव्यवस्थित बिस्तर पर अच्छी नींद नहीं आती। समय, सोने का समय नियमित रूप से निश्चित होना चाहिए। सामान्यतः समय शाम को जल्दी सोना व प्रातः जल्दी उठना लाभदायक होता है।
प्रातः प्रतिदिन निश्चित समय पर नियमित रूप से सोना व उठना चाहिए। छोटे बच्चों को मध्याह्न को भी लगभग एक घंटा सोना चाहिए। वायु ताप, सोने के स्थान के ताप का प्रभाव भी निद्रा पर पड़ता है। यदि कमरे में अत्यधिक उच्च ताप होगा तो गर्मी के कारण व्यक्ति गहरी निद्रा के आनंद का लाभ नहीं उठा सकता। इसी प्रकार यदि कमरे का ताप अत्यधिक निम्न हो तो शीत के कारण गहरी नींद नहीं आएगी। सुनिद्रा के लिए ताप 60 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक नहीं होना चाहिए। हल्का भोजन, अनिद्रा का प्रमुख कारण आहार है। अनिद्रा यानी कि नींद नहीं आने का प्रमुख कारण बता दिया आहार को। क्यों? क्योंकि आहार हमें हमेशा सादा रखना चाहिए, स्वाभाविक रखना चाहिए, हल्का व संतुलित होना चाहिए। तीखे अत्यधिक गरिष्ठ भोजन पदार्थ से रहित है तो पेट उसे सरलता से पचा लेता है तथा उसे विश्राम करने का समय मिल जाता है। गरिष्ठ तीखे भारी भोजन कर लेने से गहरी नींद आती है। पेट को विश्राम को निष्कासित करने का कार्य कुशलतापूर्वक नहीं कर पाता। शरीर में रोग ग्रहणशीलता बढ़ जाती है। संवेगात्मक स्थिति, आहार के अतिरिक्त संवेगात्मक स्थिति भी निद्रा को अत्यधिक प्रभावित करती है। यदि बालकों के मस्तिष्क में अनावश्यक भय, चिंता, विभिन्न कारणों से मानसिक तनाव बना रहता है तो उसे गहरी नींद नहीं आएगी। यानी कि अगर माइंड के अंदर कुछ चीजें चल रही हो, बैक ऑफ द माइंड आप कुछ सोच रहे हो, विचार कर रहे हो, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से आप तनाव में हो, तो वो भी एक अनिद्रा का कारण है। शिक्षकों या माता पिता को चाहिए कि वे बालकों के साथ प्रेम व सहानुभूति पूर्वक व्यवहार करें। निद्रा की मात्रा, समय तालिका के से विभिन्न आयु पर निद्रा की क्या औसत मात्रा होनी चाहिए? आपको स्पष्ट बनाना चाहिए आपके दिमाग में कितने वक्त सोना जरूरी है। शैशवावस्था 2 से 4 वर्ष की आयु के बच्चों को 14 घंटे सोना चाहिए। 4 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों को 12 घंटे सोना चाहिए। बाल्यावस्था से 8 वर्ष से 12 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए 10 घंटे और 12 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए भी 10 घंटे। किशोरावस्था यानी कि 14 से 16 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए 9 घंटे। युवावस्था यानी कि 19 वर्ष की आयु के लिए 8 घंटे। प्रौढ़ावस्था यानी कि 50 वर्ष की आयु के लिए 8 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए। सो ये हमने इस वीडियो में समझा है। स्लीप के बारे में पढ़ा है हमने और व्यायाम के बारे में पढ़ा है। अगर आपके कोई भी सुझाव हो इस वीडियो से रिलेटेड या फिर इस सेशन क्लास से रिलेटेड तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो के नीचे आप मुझे बता सकते हैं। अगर आपके कोई डाउट्स है तो मैं वो भी ले सकती हूँ। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने वाले हैं फैटी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मोटापा, ठीक है, या थकान जिसकी वजह से आ जाती है। इन कारणों को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। होप यू आर वॉचिंग माई वीडियोज विद एंथुसियाज्म एंड इंटरेस्ट। थैंक यू सो मच।